गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ शिमकंड और हो सकता है शाम तक पहुँच जाऊँ उज्बेकिस्तान। तो इस हॉस्टल में मैं रुका हुआ था यहाँ पर, और ये ऑनर है तुर्किस्तान के इस हॉस्टल के। जब भी आओ तो यहाँ ज़रूर आना, और भाई की हॉस्पिटैलिटी देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। और यहाँ 24 घंटे बहुत तेज़ हवा चलती है, तो इसका एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं। और ये हॉस्टल है जहाँ मैं रुका था, और ये ऑनर है। Bro, thank you so much for everything. Okay. Inshallah, we will meet again. Have a nice trip. Yeah. Yeah. Most welcome in India. Okay. Thank you so much. Rahmat. तो ये है तुर्किस्तान का मेन टैक्सी स्टैंड। Hi, Mohammed. तुर्किस्तान से आया, मेरी जो टैक्सी थी तुर्किस्तान से उसने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। और सामने ये कोई स्टैंड है, यहाँ से चलती हैं टैक्सी तुर्क, यहाँ से चलती हैं ताशकिन बॉर्डर के लिए। और ये बोर्ड लगा हुआ है मैगनम वगैरह का, और सामने इसके टोयोटा का शोरूम है। लेट्स सी। तो इस टैक्सी स्टैंड पे आ गया हूँ ना, यहाँ की लैंग्वेज समझ आ रही है कि मैं कहाँ पर हूँ। देखिए सब इनकी भाषा में लिखा हुआ है। और यहाँ से जाना है मुझे ताशकंद उज्बेकिस्तान बॉर्डर, और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा किस गाड़ी में जाना है, किससे पूछना है। ताशकंद बॉर्डर, हाउ मच देंगे? हाउ मच देंगे? तो पता करते हैं, कह रहे इधर से ये बसेस चलती हैं। ताशकंद बॉर्डर था, कहेंगे हाउ मच देंगे? हाउ मच देंगे? हाउ मच देंगे? 3200। हाउ मच देंगे? हाउ मच देंगे? किधर जाएगा भाई? ओह अच्छा, मेरे गाड़ी वाला ही है। मैं ताशकंद बॉर्डर। ताशकंद बॉर्डर, ताशकंद मशीन का का जरूरत बहुत है। हाँ मिथुन चक्रवर्ती। तो ये भाई तुर्किस्तान से मेरे साथ ही आए थे, थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं, इंडिया में रहे होंगे। ये जाएगा हाउ मच टेंगे? 1200। 1200? आप इंडिया में भाषा, इंडिया का भाषा कैसे आता? भाषा का, इंडिया का लैंग्वेज कैसे आता? हाउ यू नो इंडियन लैंग्वेज? नहीं समझ गए थे। तुम भी जाएगा मेरे साथ? हाँ बॉर्डर। चलो ठीक है। तो ये भाई मेरे थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं। इसका अफगानिस्तान क्या? अफगानिस्तान और इंडिया अफगान भाई 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 दोस्तों भाई अफगानिस्तान से है। जुमादीन। तो जुमादीन भाई अफगानिस्तान से हैं, और ये तुर्किस्तान से मेरे साथ ही आए हैं यहाँ शिमकंड। और शिमकंड से हम लोग जा रहे हैं ताशकंद बॉर्डर, और 1200 टेंगे। भाई इस स्टैंड का क्या नाम होता है? नाम इसका बेगजान। बेगजान बाजार का? बेगजान हाँ, बाजार बेगजान। अच्छा, इसका नाम बेगजान बाजार है। तो ये बेगजान बाजार है शिमकंड में। यहाँ से आपको ताशकंद बॉर्डर के लिए ये ऐसी मिल जाएगी शेयरिंग टैक्सी, जो 1200 टेंगे लेगी और आपको बॉर्डर पे छोड़ देंगी। बॉर्डर क्रॉस करके फिर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ से हम जाएंगे ताशकंद बॉर्डर उज्बेकिस्तान।
बॉर्डर एरिया पे आ गया हूँ। टैक्सी ने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया और सामने जो वाइट कलर का गेट है यही क्रॉस करना है आपको लैंड बॉर्डर, और हम भी यही लैंड बॉर्डर क्रॉस करेंगे अभी। तो आज लाइफ का दूसरा लैंड बॉर्डर हम क्रॉस करेंगे जो कि है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का। इससे पहले क्रॉस किया था वियतनाम कंबोडिया, कंबोडिया वियतनाम। तो ये वाला गेट है जो हमें क्रॉस करना है कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान। हिंदुस्तान सलाम। तो ये गेट है, गेट के साइड में से रास्ता जा रहा है इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए। तो अभी कैमरा कर देते हैं बंदे यहाँ पर, इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद दिखाते हैं आपको। तो इमिग्रेशन क्लियर हो गया, उज़्बेक की साइड आ गया हूँ और बाहर निकलते ऐसी लोकल बसेस दिख जाएंगी जो आपको सिटी तक छोड़ देंगी। तो अभी मैं भी ऐसी ही बस लूँगा, पर उससे पहले आपको सब बता देता हूँ। तो जब कजाक की साइड से एंटर हुआ तो उन्होंने मेरा सिर्फ पासपोर्ट देखा और स्टैंप लगा दी, एग्ज़िट हो गया। और एग्ज़िट होते ही साथ ही गेट है, आप उज़्बेक में एंटर हो जाओगे। उज़्बेक में एंटर होते ही बहुत अच्छी तरह स्वागत करेंगे, हेलो, शक्ल देखते ही बोलते हैं हेलो इंडिया, जिमी जिमी नमस्ते। अंदर आया इमिग्रेशन काउंटर पे तो उन्होंने मेरा वीज़ा देखा और पूछा इंडिया, आगरा, ताजमहल, नमस्ते इंडिया। भाई बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया। मतलब जब से मिथुन दा यहाँ पर आए हैं तब से इंडिया का नाम सेंट्रल एशिया में बहुत अच्छे से जाना जाता है। उज़्बेक में एंटर हुआ, ना मुझसे होटल बुकिंग पूछी, ना रिटर्न टिकट, ना कोई शो मनी, सिंपल ऑनलाइन जो वीज़ा लिया था उससे मैं एंटर हो गया। कजाक की तरफ से एग्ज़िट हुआ और उज़्बेक में एंटर हो गया। तो अब यहाँ से हम लोकल बस लेके जाएंगे सिटी में और बताता हूँ कितना प्राइस है। और अगर आप उज़्बेक की तरफ से कजाक में एंटर हो रहे हो तो एंटर होते ही बाहर आपको 1200 टेंगे में शेयरिंग बसेस मिल जाएंगी जो आपको छोड़ देंगी शिमकंड सिटी में, 1200 टेंगे। तो अब देखते हैं लोकल बस कितनी देर में आती है और फिर चलते हैं सिटी में। ये ऊपर राइट में सारी करेंसी मनी एक्सचेंज की शॉप्स हैं, तो आप चाहें तो थोड़ी बहुत करेंसी यहाँ से अपनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो ये देखिए एंट्री करते ही ऐसी बसेस मिल जाएंगी आपको, लोकल बसेस जो सिटी सेंटर में छोड़ देंगी आपको। तो मैं इसी बस में चलता हूँ अभी आपको। तो इस बस में बैठ गए और सिटी सेंटर में पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये है ताशकिन सिटी, ताशकिन में पहुंच गए हैं और सिटी सच में बहुत ही खूबसूरत है। अभी जब बस में आ रहा था तो देखा मैंने, बहुत डेवलप्ड कंट्री है और ताशकिन कैपिटल है उज़्बेकिस्तान की। तो यहाँ पहुंच चुके हैं, ऐसा लग रहा है यूरोप में आ गया। तो अभी यहाँ एक हॉस्टल में मुझे इंडियन भाई से मिलना है, थोड़ा सा सामान मंगाया था इंडिया से क्योंकि यहाँ खाने की दिक्कत हो रही थी, मैगी मसाला वगैरह भाई से मंगाया। भाई ने एक एड्रेस दिया है कि मैं इस एड्रेस पर रुका हुआ हूँ, भाई यहाँ घूमने के लिए आए हैं 4-5 दिन के लिए। तो मैंने बोला अगर आप आ रहे हो तो मेरे लिए मैगी मसाला ले आना। तो अब उनके हॉस्टल में चलते हैं, और मेरे होस्ट हैं यहाँ पर यहाँ से 18 किलोमीटर दूर हैं। तो ये भाई हैं हमारे मितेश जैन, जो चेन्नई से हो ना आप? चेन्नई। हाँ, तो चेन्नई से आए हैं। भाई से मैंने कुछ सामान मंगाया था, मसाले वगैरह, उनको मतलब मैंने चेकिंग में डाला था फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली, एयर इंडिया की थी। तब दिल्ली में आके देखा तो लाइक द थिंग वाज मिसिंग, सामान निकला हुआ था इनके। अच्छा। कुछ मसाले थे और कुछ इनके बिस्किट के पैकेट थे और मिर्च का एक पैकेट था, तो मैंने सूटकेस में आगे रखा था। ठीक है, जब आगे देखा तो इट वाज मिसिंग, सो लाइक इनको तो निकाल लिया होगा। तो सॉरी सनी भाई, कोई इशू नहीं है भाई, इस बहाने आपसे मुलाकात हो गई। अरे जरूर जरूर, है ना, इंडिया में नहीं मिल पाए तो लाइक वी मेट हियर। हाँ, इंडिया में हम नहीं मिले
ये एक मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और आप दोस्त भी बन गए हैं और हम लोग मिले उज्बेकिस्तान ताशकिन में। और दूसरे भाई हैं, नाम बताइए भाई। मोहम्मद शादाद, ये भी मुझे इस हॉस्टल में मिले हैं जहाँ मितेश भाई ने मुझे बुलाया था। क्या नाम है हॉस्टल का? हॉस्टल इज टॉप चैन हॉस्टल इन ज़ेरेनी बाजार इन ताशकंद। ताशकंद में है टॉप चैन हॉस्टल, आप booking.com पे सर्च कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है, तो आप आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। हॉस्टल थोड़े एक्सपेंसिव हैं ताशकंद में। फर्स्ट में भी ऐसा कुछ आपको दाल सब्जी नहीं मिलने वाला, फ्रूट्स अंडा ब्रेड जो भी है अब आ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। इट्स अ गुड प्लेस। तो आप दिल्ली से हो? हाँ। तो ये भाई भी दिल्ली से हैं और तो भाई आए हैं बिजनेस ट्रिप पे यहाँ पर। और कहाँ कहाँ घूम लिया आप यहाँ पर? अभी तो पूरे ताशकंद ही घूमा, समरकंद जा रहा हूँ, फिर बुखारा, फिर बुखारा से फिर। और कैसा लगा यहाँ दोनों को आपको ताशकंद? अरे ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। लाइक आप लोग दो तीन दिन पहले से आए हुए और मेरा आज पहला दिन है। तीसरा दिन हो गया। हाँ, इट्स अ थर्ड डे फॉर अस। तो आप दोनों भी यहीं मिलो एक दूसरे को? एग्जैक्टली exactly. मैं मेरा बेड ये है, ये ऊपर थे तो बोले कि ये दिल्ली से, मैं बोला चेन्नई से, तो बोले हम दोनों अकेले, बोला चलो साथ में घूमते हैं। तो दोनों बोले यूनिटी बन गई दोनों की। yes. तो कुल मिला के बढ़िया, पैसा वसूल कंट्री है। 100% तो लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। अरे जरूर, इंडियन शुड श्योरली कम हियर। यहाँ पर आप बोलोगे कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, तो आपको लाइक यू नो बहुत प्यार करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, राज कपूर, जिम्मी जिम्मी और ये सब इंडियन फिल्म्स, बॉलीवुड। हाँ, तो पूरी सेंट्रल एशिया में दबदबा है हमारे इंडियन बॉलीवुड स्टार्स का। तो कुल मिला के बढ़िया है यहाँ पर। बढ़िया, चलो आप दोनों से मिलके यार बहुत अच्छा लगा भाई। शोली फिर इंडिया में मुलाकात करेंगे, या हो सकता है मैं एक दो दिन भी यहीं पर हूँ ताशकंद में, मुझे वीजा अप्लाई करना है, तो हम दोबारा यहीं मिलेंगे। प्लीज प्लीज, ठीक है। और आपसे शायद दिल्ली में मुलाकात करें, क्योंकि आप निकल जाओगे अभी समरकंद और फिर आपकी फ्लाइट है। वापस भी तो आऊंगा अभी ताशकंद। अच्छा, ताशकंद आओगे दोबारा, तो हो सकता है हम दोबारा मिले। चलो ठीक है, ठीक है सनी भाई, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। प्लीज हैव अ सेफ जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाइयों। अच्छा लगता है ना, इंडिया बहुत आके मिलते हैं। 100% दुनिया बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं मिलेंगे, रास्ते टकराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी विल हैव फन। बिल्कुल बिल्कुल, यस। बाय सनी भाई, बाय भाई, थैंक यू सो मच। बाय बाय व्यूअर्स, बाय बाय। चलो तो अगर आप भी उज़्बेकिस्तान ताशकंद सिटी आ रहे हैं तो आप इस हॉस्टल में रुक सकते हैं। कुछ अंदर से इस तरीके से है ये हॉस्टल, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बट $12 पर डे इसका रेट है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो ये भाई लोग इस हॉस्टल में रुके हुए थे, हॉस्टल का नाम है टॉप चैन हॉस्टल, बाहर से कुछ ऐसा है। और ये हमारे भाई हैं श्रीलंका से, हेलो, ये भी यहीं रुके हुए हैं इस हॉस्टल में। चलो भाई, बाय बाय, बाय बाय। तो ये भाई भी इस हॉस्टल में रुके हैं श्रीलंका के, और मैं यहाँ मिलने आया था अपने चेन्नई वाले भाई से कि जो सामान मैंने मंगाया था इंडिया से, उन्होंने बोला कि वो निकाल लिया एयरपोर्ट पे। चलो कोई नहीं, मेरे सब्सक्राइबर थे, इस बहाने इनसे मुलाकात भी हो गई। अभी जा रहा हूँ मैं अपने होस्ट के घर, जो कि उज़्बेकिस्तान में रहते हैं और रहने वाले हैं ईरान के। अभी इस हॉस्टल से मेरे होस्ट का घर 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से बस लेके मेट्रो लेके कैसे जाना है अभी नहीं पता, बट पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, और मेट्रो का भी सेम रेट है, 1400 सोम इज इक्वल टू 10 रुपीज़ इंडिया। तो उज़्बेकिस्तान की मेट्रो का भी सफ़र कर लिया अपनी दिल्ली की मेट्रो से। यहाँ की मेट्रो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, हो सकता है कि दिल्ली की मेट्रो से पहले ही मेट्रो यहाँ चल रही हो, बट स्पीड के मामले में बहुत तेज चलती है, जैसे ट्रेन चल रही हो। और अभी मैं अपने होस्ट के घर के पास जो मेट्रो स्टेशन था वहाँ उतर गया हूँ, अब जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर। तो दोस्तों, मैं अपने होस्ट
शोजे भाई के घर पहुंच गया हूं ताशकंद सिटी में. ही इज शोजे, राइट? हेलो, आई एम शोजे. शोजे एंड हिज फ्रेंड, व्हाट्स योर नेम ब्रो? हेलो, आई एम रेजा. रेजा, रेजा, रेजा. यस. तो ये दोनों भाई ईरान से हैं और ताशकंद सिटी में रहते हैं और इन्होंने मुझे होस्ट किया है उज्बेकिस्तान में. सो यू आर वर्किंग हियर इन ताशकंद एंड यू आर फ्रॉम? आई हैव अ लिफ्ट कंपनी, एलिवेटर कंपनी. ओके, इन ताशकंद. सो वर्किंग हियर फ्रॉम लास्ट? बिफोर. फ्रॉम लास्ट हाउ मेनी इयर्स? ओह, 5 इयर्स. ओके, थैंक यू सो मच सोजे भाई फॉर होस्टिंग मी हियर इन उज्बेकिस्तान. थैंक यू. तो भाई बनाने गए हैं ईरान की टी. तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट भाई को अपने कर दिया करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.